गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 3 डेंटल केयर। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है डेंटल केयर। डेंटल केयर से आप क्या समझते हैं? डेंटल केयर मतलब जो हमारे जो टीथ होते हैं, हमारे जो गम्स मसूड़े जो होते हैं, उनकी हमें प्रॉपरली सफाई करनी चाहिए। हमें अपने जो दांतों को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए। हम जब भी कुछ खाते हैं, कोई भी हम खाना खाते हैं, तो वो हमारे दांतों में बीच में फंस जाता है और वो फंस जाने से हमारे दांतों में जम्स पैदा हो जाते हैं और वो जम्स धीरे धीरे जब ग्रो होते हैं तो हमारे जो टीथ होते हैं उनमें कैविटी बन जाती है। कैविटी मीन्स दांतों में छेद हो जाता है। तो इसके लिए हमें डेली 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए, जिससे कि हम जो भी खाना खाएं वो हमारे दांतों में अगर फंस भी जाता है तो ब्रश करने से वो बाहर निकल जाता है। इसीलिए हमें डेली 2 टाइम्स इवनिंग और मॉर्निंग में ब्रश करना चाहिए। इस लेसन में हमें यही बताया गया है, टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। जो टीथ होते हैं वो हमें बोलने में बहुत ही काम आते हैं, मतलब दांतों के द्वारा ही हम सही तरीके से बोल पाते हैं। दीज आर वेरी नेसेसरी फॉर अटरिंग वर्ड्स। जो टीथ होते हैं वो हमें बातें करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, मतलब हमारी जो बोली होती है, हमारी जो वाणी होती है, वो हम टीथ के द्वारा ही अच्छे से बोल पाते हैं। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ड स्पोकन बाय अ टूथलेस पर्सन। अगर कोई टूथलेस पर्सन जिसके दांत नहीं होते हैं, उसके लिए बोलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दांतों के द्वारा ही हम इजीली बोल पाते हैं। टीथ हेल्प अस टू बाइट कट टीयर एंड च्यू। जो टीथ होते हैं हमारे, उसी से हम बाइट करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो उसके लिए जो हमारे दांत होते हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं। उसके दांतों के द्वारा ही हम खाने को बाइट करते हैं, कट करते हैं, टीयर करते हैं, खाने को चबाते हैं, काटते हैं और उसको चीरते हैं और उसको अच्छे से च्यू कर करके, मतलब चबा कर खाते हैं। टीथ आल्सो गिव शेप टू अवर फेस। और इसके अलावा टीथ मतलब जो दांत होते हैं उनसे हमारी जो वो फेस को है वो एक अच्छा शेप भी मिलता है। देर आर वेरियस काइंड ऑफ टीथ। अब जो टीथ होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। फर्स्ट है बाइटिंग टीथ, सेकेंड है टेयरिंग टीथ एंड थर्ड है ग्राइंडिंग टीथ। फर्स्ट है बाइटिंग, बाइटिंग टीथ, सेकेंड इज टेयरिंग टीथ एंड द थर्ड इज ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग टीथ। अब दांत जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, बाइटिंग टीथ, टेयरिंग टीथ एंड ग्राइंडिंग टीथ। अब सबसे पहले हम बाइटिंग टीथ के बारे में पढ़ेंगे। दीज 3 काइंड्स ऑफ टीथ हेल्प अस टू कट टीयर एंड च्यू द फूड। इन 3 तरह के दांत से ही हम खाने को अच्छे से चबा सकते हैं और उसे अच्छे से मैश कर सकते हैं और खा सकते हैं। फ्लैट एंड थिन फ्रंट टीथ आर कॉल्ड बाइटिंग टीथ। सबसे जो आगे के, आपको इस पिक्चर में दिखाया है कि जो सबसे आगे के जो 2 मोटे दांत जो होते हैं, फ्लैट और जो बड़े दांत होते हैं, वो होते हैं बाइटिंग टीथ। इन्हें हम कहते हैं बाइटिंग टीथ, सबसे जो आगे के जो 2 मोटे दांत होते हैं। सेकेंड है शार्प एंड लॉन्ग पॉइंटेड साइड टीथ आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ। इसके बाद इस पिक्चर में देखिए जो साइड के जो दांत होते हैं, जो थोड़े से लॉन्ग होते हैं और शार्प होते हैं, ये होते हैं टीयरिंग टीथ। टीयरिंग टीथ 2 मोटे दांतों के जो पास वाले जो शार्प और जो लंबे दांत होते हैं उन्हें हम कहते हैं टीयरिंग टीथ। ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ एट द एंड आर कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ। और जो उसके पीछे के जो दांत होते हैं, जो थोड़े से ब्रॉड होते हैं और फ्लैट होते हैं, वो होते हैं ग्राइंडिंग टीथ, जिससे हम खाने को अच्छी तरह से पीस सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, वो होते हैं ग्राइंडिंग टीथ। बाइटिंग टीथ से तो हम खाने को बाइट करते हैं,
खाने के मतलब टुकड़े करते हैं और टेयरिंग टीथ से हम खाने को चीरते हैं, अच्छी तरह से उसको चीर सकते हैं और ग्राइंडिंग से हम अच्छे तरह से उसको चबा चबा के खा सकते हैं। इन तीनों दांतों की हेल्प से ही हम खाने को अच्छे से खा सकते हैं।